हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हमें जाना है पाकिस्तान के कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने, तो उसके लिए हो जाते हैं हम रेडी। तो हम हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, और आई थिंक आज ही पता चलेगा कि कब कंपटीशन है, फिर किस तारीख को, मतलब फिर उसी हिसाब से हम बल्किंग करेंगे और फिर कटिंग करेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे जाना पड़ेगा तौसीफ फिकर, क्योंकि हम वहाँ जाके लोकेशन निकालेंगे जहाँ हमें जाना है, उसके बाद वहाँ चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ये मैं पहुंच चुका हूं तौसीफ के घर। अब तौसीफ निकाल ले लोकेशन जहां हमें जाना है। तो क्या हुआ, मिली नहीं मिली? निकाल दी इतनी जल्दी? चल 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 जल्दी चल, टाइम वेस्ट नहीं कर, बेसिक टाइम। तो अब हम निकल रहे हैं वहीं जहां पे हमें जाना है, जहां पे रजिस्ट्रेशन हो रही है पाकिस्तान की। बिना टाइम वेस्ट किए हम निकलते हैं वहां पे। सही है, तो हमने कैप पहन लिए ताकि धूप ना लगे। हम नीचे आ चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं। चल भाई, टाइम वेस्ट किए बिना मैं चलाता हूँ, पकड़ कैमरा पकड़। करवा दिया भाई पेट्रोल, करवा दिया पेट्रोल डल गया भाई। चल अभी चल, पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं अंदर। ये तो ग्राउंड है भाई। तो फाइनली हमने पाकिस्तान के कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिए। उसी के साथ एक बैड न्यूज़ मिली है। वो बैड न्यूज़ ये है कि ये जो पाकिस्तान का कंपटीशन हो रहा है, इसमें मेन फिजिक का कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग का है। तो ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरा जो बेस्ट है वो मेन फिज़िक है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिए। उसकी वजह ये है कि मेरे लिए उस स्टेज पर खड़े होना यही बड़ी बात है, बाकी जीतना हारना वो तो बाद की बात है। लेकिन मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा, अब कल से तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन हो गई है, अब जाके थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा पीछे मैच देखते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट एकेडमी भी है। तो अभी फ़िलहाल जाके बैठते हैं, अभी थोड़ी देर में ट्रायल होगा, फिर मैं मिलता हूँ आप लोग से। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हमें बैठे बैठे लगी है प्यास, तो अब जा रहे हैं पानी लेने। और तो सी भूख भी लगी है, बहुत भूख लगी है भाई। इसने कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही मेरे साथ आ गया। तो वो देखते हैं, अगर कुछ स्नैक्स मिल जाए तो वो भी ले लेंगे। और ही दुकान है, कुछ उठा ले, ग्रीन वाला उठा, उसका फ्लेवर अच्छा है। जूस ले ले, जूस। तो जी हम जूस और चिप्स लेके आ गए हैं, अब यहाँ पे आराम से बैठ के खाएंगे और इंतज़ार करेंगे कि कब होता है ट्रायल। A few inches later. जी अब ट्रायल होने लगा है, मगरिब की नमाज के फौरन बाद होगा। अभी इसके लिए हम थोड़ा वार्म अप करेंगे, पहले मैं थोड़ा फेस वॉश कर लूँ, उसके बाद वार्म अप स्टार्ट करता हूँ।
ऋषभ से बेस्ट चीज नहीं है हमारे। तो फाइनली अब मैं पहुंचा हूं घर पे। जैसे कि आप लोग जानते थे कि मैं दिन के टाइम निकला था और अभी रात हो गई है, अब मैं पहुंचा हूं घर पे। इसी के साथ एक बैड न्यूज़ मिली जो मुझे काफ़ी डीमोटिवेशन हुई, लेकिन फिर भी मैंने रजिस्ट्रेशन करा ली क्योंकि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। तो अभी मैंने रजिस्ट्रेशन तो करा ली है, लेकिन अभी मुझे बड़ी टफ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ मेरे पास 20 डेज़ है, क्योंकि मेरे बराबर में जितने भी लड़के थे वो सारे स्टेरॉइड्स वाले और मेडिसिन वाले थे, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। तो एक मैं ही नेचुरल हूँ उनमें, और मैंने सब कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के लेवल इतने बड़े लेवल पे तुम नेचुरल नहीं लड़ सकते हो, तो मैं जाऊंगा और लड़ूंगा। मैंने सिंध तक नेचुरल लड़ा है, तो आगे भी नेचुरल ही लड़ेंगे। देखते हैं कि क्या होता है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में, हम अपना बेस्ट देंगे। इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मुझे कल से ही प्रेप स्टार्ट करना है। 20 डेज़ है मेरे पास, इन 20 दिनों में मुझे अच्छे से अच्छा जिस्म के अंदर चेंजिंग लानी है। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।